के द्वारा या किसी उच्च अधिकारी के द्वारा कोई जो आदेश दिया जाए उसको फतवा कहते हैं, ऐसा मैं अब तक समझता था, हो सकता है मैं भूल ना रहा हूँ। तो ये नहीं भूल हो सकती है, इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि किसी जाति विशेष के बारे में मेरे पर्सनल ओपिनियन का कोई उपयोग नहीं है। यहाँ हम विचार ये कर रहे हैं कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार विरुद्ध विचार वालों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। वहां जब संवाद की बात आती है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे यहाँ पहले हमेशा पूर्व पक्ष और फिर उत्तर पक्ष रखा जाता है। आप ये जानते हैं कि दयानंद सरस्वती के समय तक शास्त्रार्थों की धूम मची रहती थी। दयानंद सरस्वती शायद प्रारंभिक सुधारकों में से, जिनको सुधारक लोग कहते हैं, धर्म में परिवर्तन करने वाले जो माने जाते हैं, उनमें दयानंद सरस्वती प्रारंभिक लोगों में से थे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दयानंद सरस्वती के जीवन में और उनके पश्चात भी लगभग 50 वर्षों तक सनातनियों में और आर्य समाजियों में स्थान स्थान पर, शहर शहर में, गांव गांव में शास्त्रार्थ होते रहे, पुस्तकें छपती रहीं, सैकड़ों और हजारों पुस्तकें छपती रहीं। दर्शन शास्त्र में शंकराचार्य, रामानाचार्य आदि के विचारों में एक दूसरे के विरोध होते हुए आज तक हजारों पुस्तकें छपी हुई हैं। ये संवाद के ही तो उदाहरण है। आज का कोई एक नेता अगर किसी के साथ संवाद बिना किए कोई काम कर देता है तो उसकी जिम्मेदारी आप हिंदू धर्म शास्त्रों पर कैसे डाल सकते हैं? सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। That can't be helped. That you can always escape that. आपने ऐसा बोला कि यहाँ के कर्मों का फल परलोक में मिलता है, तो आप जो सनातन वैदिक धर्म के जो आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपके आपके हिसाब से कर्म किसको बोलेंगे? कर्म का क्या है डेफिनेशन? बहुत अच्छा किया आपने, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि अन्यथा भी मैं ये चाह रहा था, खासकर साहनी साहब ने जो अपने भाषण में एक बात कही थी कि द प्रॉब्लम इज दैट एवरी रिलीजन हैज ए बुक एंड वी कांट बिलीव इन ए बुक रिटन बिफोर 100 years और 1000 years और क्रोर्स ऑफ इयर्स। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा निवेदन यह है कि यू आर एट फुल लिबर्टी नॉट टू एक्सेप्ट एनी रिलीजन एंड रिमेन अनरिलीजियस, बट यू हैव नो अथॉरिटी और यू हैव नो लिबर्टी टू से दैट वी डू बिलीव अ धर्म एंड डू नॉट बिलीव अ धर्म ग्रंथ। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, हम नास्तिक रहना या परलोक को न मानना इसकी छूट सबको है, आज के जमाने में भी है, पहले के जमाने में भी थी। लेकिन आप ये कहेंगे हम धर्म को स्वीकार करते हैं लेकिन धर्म का हम परिवर्तन करते रहना चाहिए, उसके लिए आपको मेरी बात का उत्तर देना पड़ेगा कि धर्म का फल अगर परलोक में मिलता है, अगर मैं इसमें इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग ये मानते हैं कि धर्म का फल परलोक में मिलता है उनकी ओर से ये प्रश्न है, अगर आप ये मानते हैं कि धर्म का फल परलोक में नहीं मिलता, धर्म का फल ईश्वर नहीं देता, तो धर्म कौन सी चीज है जिसको आप मानना चाहते हैं? धर्म है क्या चीज? अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं कि कर्म किसे कहते हैं। जहां तक हिंदू धर्म शास्त्रों का प्रश्न, हो सकता है कुछ अन्य संप्रदायों में ऐसा हो कि आप 7-6 दिन कुछ भी करें, एक दिन किसी पूजा गृह में जाकर पूजा कर लें तो आप धार्मिक बने रह सकते हैं, कहीं ऐसा हो तो मैं नहीं जानता। हिंदू धर्म शास्त्रों में जहां तक प्रश्न है, हमारे यहां प्रातः काल से लेकर रात्रि तक और रात्रि से लेकर प्रातः काल तक 24 घंटे 12 महीने और जीवन भर शरीर इंद्रिय मन से जो कुछ चेष्टा जो क्रिया हम करते हैं वो सब कर्म है और वो सब धर्मशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैं किसी को किस दृष्टि से देख रहा हूँ ये भी एक कर्म है। अगर मैं अच्छी दृष्टि से पवित्र दृष्टि से देख रहा हूँ तो मैं पुण्य कर रहा हूँ, अगर मैं अपवित्र दृष्टि से किसी पर को देख रहा हूँ तो पाप कर रहा हूँ, उसका भी फल मुझे मिलेगा। इसलिए कर्म को आप किसी एक सीमित क्षेत्र में कभी नहीं बांध सकते। शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि इन सब के जो भी प्रयत्न हैं ये सारे प्रयत्न कर्म हैं और ऐसा कोई प्रयत्न नहीं होता जिसका फल केवल यहां मिलकर रह जाए। हर कर्म का फल कुछ न कुछ यहां के बाद भी मिलता है। जिनको ईश्वर पर विश्वास न हो, जिनको परलोक पर विश्वास न हो, उनसे हम अलग बात कर सकते हैं। आज का मंच मैं समझता हूं उसके लिए नहीं है। हम ये नहीं कहते कि ईश्वर को नहीं मानते उनको हम एकदम छोड़ देंगे, हम उन पर भी विचार करने के लिए तैयार हैं और तर्कों के आधार पर। शास्त्र को छोड़ दीजिए, किसी शास्त्र को आप कुरान को मत मानिए, पुराण को मत मानिए, वेद को मत मानिए, बाइबल को मत मानिए, फिर भी हम तर्कों से और युक्तियों से ईश्वर को सिद्ध कर सकते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। आप कोई अलग बैठक उसके लिए बुला सकते हैं। लेकिन जो ईश्वर को मानते हैं उनके लिए हमेशा यह प्रश्न है कि जो कुछ कर्म हम कर रहे हैं उसको कोई देख रहा है? हम अकेले में कभी, मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा, मैं अकेले में, हमारे यहां प्रसिद्ध है कि एक गुरु ने अपने शिष्यों को पूरा अध्यापन करने के बाद फल दे दिए, जाओ एक एक फल ले जाओ, ऐसी जगह खा लो जहां कोई न देखता हो। जब वे वापस आए तो किसी ने कहा कि मैं एक बंद कमरे में, मैंने कमरा बंद कर लिया, खा लिया, किसी ने कहा मैंने पानी में जाकर खा लिया, किसी ने कहा जंगल में जाकर खा लिया। एक शिष्य आया जिसने कहा गुरुजी मुझे ऐसी कोई जगह मिली नहीं जहां कोई न देख रहा हो।
इसलिए मैं फल वापस लेकर आ गया हूँ। तो ये भावना अगर मनुष्य में है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसे कोई अवश्य देख रहा है, और आज अगर हम छूट गए तो भी आगे फल मिलेगा, तो ही समाज में व्यवस्था ठीक रह सकती है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि धर्म थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि काल्पनिक हो, मान लीजिए, हम नहीं मानते काल्पनिक, हम तो अत्यंत सत्य मानते हैं, पर जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म अफीम की गोली है, थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें कि वह अफीम की गोली है, तो भी समाज की सुव्यवस्था के लिए वही अफीम की गोली परम आवश्यक है। आप भ्रष्टाचार निवारण नहीं, जो भ्रष्टाचार आएगा उसको आप कहां रोकेंगे? हाउ लॉन्ग यू कैन गो पीपल पुलिस ऑन ए पुलिस। आज सारी अव्यवस्था इसलिए हो रही है कि परलोक और ईश्वर पर से लोगों का विश्वास हट गया है, धर्म पर से लोगों का विश्वास हो गया है, हट गया है, केवल अपनी बुद्धि पर लोगों को विश्वास है। अगर मैं अपराध करके पुलिस से बच सकता हूं, या पुलिस को घूस खिलाकर बच सकता हूं, या अंत में न्यायालयों में भी कुछ उपद्रव करके या कुछ भी करके, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं अगर बच सकता हूं तो अपराध करेंगे, कोई दोष नहीं है, ये बुद्धिमत्ता की बात है। ज्यादा बुद्धिमान जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे उपाय सोच करके अपने को बचा लेने का प्रयास करते हैं और बचते हैं, इसलिए वो सोचते हैं बच गए। अपराधों के बढ़ने का मूल कारण ये है, आप जितना अधिक सेकुलरिज्म का प्रचार करते जाएंगे उतना अधिक अपराध बढ़ता चला जाएगा, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अंततः इन अपराधों को नष्ट करने का एकमात्र उपाय है कि प्रत्येक कर्म पर हम ये ध्यान रखें कि ईश्वर भी उसे देख रहा है। कर्म मेरा सवाल डॉक्टर व्यास से है। आप सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और आपने कहा कि धर्म के अंदर कोई एडिशन नहीं होना चाहिए, और मैं आप ये मैंने नहीं, अच्छा आपने नहीं कहा, मुझे आप ये बता सकते हैं कि किसी सनातन धर्म के किसी शास्त्र में हिंदू वर्ड लिखा हुआ है, या ये लिखा हुआ है कि ये हिंदू धर्म भी कोई आने वाला है? अगर ये नहीं है तो ये सनातन धर्म में ये हिंदू वर्ड कहां से आया, और ये हिंदू वर्ड सनातन धर्म से किस तरह से रिलेटेड है, और वो कहां से आया हुआ है? ठीक है, पहली बात ये है कि हिंदू शब्द आप जो समझ रहे हैं कि वो पारसियों के या फारस वालों के आने के बाद हिंदू शब्द हमारी जाति के लिए प्रचलित हुआ, वो थोड़ा आपका भ्रम है। कालिका पुराण आदि कुछ ग्रंथों में हिंदू शब्द का पहले से हिंदवो विंध्यमावेशन वहां स्पष्ट उल्लेख है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति आपको संस्कृत के पुराने कोशों में मिल जाती है, हिमालय से लेकर इंद सरोवर तक एक प्रथा रही है। शब्द किसी का पहला शब्द और अंतिम शब्द, पहला अक्षर अंतिम अक्षर मिलाकर पूरा शब्द बन जाता है। आज भी ये प्रथा अन्य भाषाओं, डॉक्टर में डी आर लिख देते हैं, डॉक्टर का पहला अक्षर डी, अंतिम अक्षर आर, डी आर का मतलब डॉक्टर, एम आर का मतलब मिस्टर। वैसे हिमालय से लेकर इंद सरोवर पर्यंत का जो देश है वो हिंदू देश है, इसलिए हिंदुओं का जो स्थान है वो हिंदुस्तान है, ऐसा उल्लेख पुराणों में और उसके कुछ प्राचीन साहित्य में मिलता है। नंबर वन। नंबर दो, भाषा विज्ञान की दृष्टि अगर आप विचार करें तो सिंधु विदेशी जब यहां आए तो उनको सिंधु नदी सबसे पहले मिली, सिंधु के आधार पर सिंधुस्तान बना, और सकार का उच्चारण हकार करने की कई भाषाओं में प्रवृत्ति है, इसलिए जैसे सप्ताह का हफ्ता, सरस्वती का हरहवती, वैसे इस आधार पर भी सिंधु का हिंदू बनकर सिंधुस्तान से हिंदुस्तान बन गया है। और ये मैंने कभी नहीं कहा कि कोई एडिशन नहीं होना चाहिए, मैंने ये कहा कि जो मूल शास्त्रों के सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में परिवर्तन करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि फल देने वाले हम नहीं है, इतना ही मैंने कहा है। आई लाइक उनके कमेंट, आई लाइक उनके कमेंट, वेरी वेरी ब्रीफली रिगार्डिंग द क्वेश्चन सेड बाय द ब्रदर टू डॉक्टर व्यास, वी हैव गिवन अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द वर्ड हिंदू, and he said that Hindu is a person living in India, in Hindustan. But that's a geographical definition. By that, if you agree with that definition, even I'm a Hindu. But what brother was referring to is the theological definition of Hinduism mentioned in the Hindu scriptures, which I, being a student of comparative religion, I don't come across any. This definition has also been agreed by Swami Vivekananda, that Hindu is a geographical definition, meaning those people living on this side of the Indus Valley civilization. By that, I'm a Hindu. But actually, the religion should be called a Vedantist religion, those who follow the Vedas. And one more clarification regarding, you said that I had mentioned that fatwa is opinion. Yes, I did mention it. But if that opinion is given by the judge sitting on the seat of judgment, it is taken as a judgment and a verdict. So fatwa can also mean a verdict. Let me clarify. And Quran clearly states in Surah Furqan, chapter number 25, verse number 59, that if you are in doubt, ask the person who knows.
So if the Quran